अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं लाहौर और हम के मामू के घर। तो आज हम जा रहे हैं लाहौर। मामा भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, देखे मामा का चेहरा देखे तो मामा कपड़े तो पहले प्रेस कर लो। तू ना कौन से कपड़े पहने तो पहले आप निकाले तो मैं शरारा पहन के जाऊँ। नहीं शरारा नहीं तूने पहना। पहले मैं कभी गया नहीं। आज मैं सब एवरी डब्बे में बैठ देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा देखे। हाँ तो शरारे देखे कितना खुशी हो रहा है। मम्मा के साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देते बर्तन शर्तन धोने तो ये तो मुझे आते हैं। बड़े रोटियां बनानी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लोग बनाना भी पड़ता है, हाथ भी थक जाते हैं बंदे के, बातें भी कर के गला भी सूख जाता है, काम भी करने पड़ते हैं। तो गाइस अब हम जाने की करते हैं तैयारी, जहाँ जहाँ जाएंगे आप लोगों को भी जरूर शेयर करेंगे। ओहो आप जल्दी जल्दी फटाफट से सफाई कर लो फटाफट। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं तो हम जा रहे हैं। ये देखिए जी बच्चे आगे बैठ गए हैं और अरीज मेरे पास है। देखे बाय बाय कर रहे हैं तो अरीज देखे कितनी प्यारी लग रही है। मामा मुझे आगे वाली सीट में बैठना था, आपने मुझे पीछे वाली सीट में बिठा दिया है। बेटा आगे तीन ही बैठ सकते हैं, वो देखे आगे वो तंग होके बैठे हुए हैं। वो कह रहे थे हमने तीनों ने इकट्ठे बैठना है, हमने कार्टून देखने हैं, तो मैंने बोला बैठ जाओ। तो जी हम आ चुके हैं मोटरवे पे, इस रास्ते से जा रहे हैं। तो ये देखे जी रास्ते में पुलिस वैन जा रही है और अरीज बच्चे शहरी देख के वो मूवी देखते थे ना गेजे वाली, तो कह रहे हैं मामा इस गाड़ी में गेजा है। तो हमें इतनी हंसी आई कि इन लोगों ने अभी भी मूवी याद रखी हुई है। मामा इसके अंदर गेजा लग तो ऐसा ही रहा जैसे गेजा ही है। मामा कितने सफर है अभी? तकरीबन 25-20 मिनट का सफर रह गया, थोड़ा ही इधर से। अच्छा तो जल्दी करे ना, मुझे नींद भी आ जाएगी। इतना तो 25-20 मिनट का सफर है तो इतना तो नींद भी आ जाती है मुझे। मामा आपको ये नहीं पता था इतनी दूर उनका घर है तो ज्यादा देर तो लगेगी, भूख तो भी तो लगेगी। हाँ बेटा एक घंटे का सफर है, तो शहरी को देखो, शहरी की बाय बाय नहीं खत्म हो रही जी आ गए हम अरहम के मामू के घर, चलो चलते हैं अंदर। तो जी अंदर हम आ गए हैं, बैठते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने टाइम से खा लिया था, लाइट चली गई है जी, सोलर पे एक पंखा चल रहा है, मगर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, वैसे ही गर्मी है कि गर्मी लग रही है। अब जा रहे हैं हम डेरे की तरफ खेतों में, तो बच्चे भी कह रहे थे मामा हमने जाना है डेरे पे, तो इनको भी घुमा के लाते हैं। प्यारे बहन भाइयों खेतों में हम आ चुके हैं, ये 100 एकड़ ज़मीन है इनकी, ये फसल जो आपको नज़र आ रही है। तो अब हम जा रहे हैं डेरे पे, देखे मामा जा रही है, अब मैं भी चलती हूँ मामा के साथ साथ। ये देखिए अरीज मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा, हील वाला मैंने जूता पहना हुआ है, मुश्किल हो गया मेरे से चलना भी। अरीज और अरीज का चाचू ये देखे जी टिकटॉक बना रहे हैं, कह रहे थे हम खेतों में आए हुए हैं तो टिकटॉक बना लेते हैं, तो जी ये टिकटॉक बना रहे हैं और हम भी है साथ। ये डेरे का पूरा व्यू आप लोगों को दिखाते हैं जी, देखे अरहम आ रहा है, ये देखे अरहम मेरी तरफ आ रहा है। अरहम क्या हाल है आपका? ये देखे अरहम को फुल पसीना चढ़ा हुआ है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखे ट्यूबवेल है, इधर से पानी आता है और यहाँ पर भैंसों को नहलाते हैं, ये गंदा पानी है शहर, अरहम आ चुका इधर। तो गाइस मेरे जूतों का लग गया था गोबर, तो ये देख ये मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने साफ करना था, इधर पानी नहीं था तो दूसरे ट्यूबवेल में से मैंने साफ कर लिया था अपना जूता और अपने पाँव। तो जी अब हम जा रहे हैं घर, जूते की वजह से मेरे से चला भी नहीं जा रहा, तो बाकी फैमिली सारी वो देखे आगे निकल चुकी है, तो मैं जूते की वजह से पीछे हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जा रही हूँ। तो अब मैं बाइक पे बैठ के जाती हूँ, तो अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।